नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे वक्त चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का, और इस वक्त हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं शासन सचिवालय, जहां पर जयपुर में शासन सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के माध्यम से समाज में दिशा देने का भी काम करते हैं और अपने नागरिक होने का कर्तव्य का भी बोध कराते हैं। आपको जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आप जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सचिवालय प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब आप सब मिलजुल कर काम करेंगे। विभिन्न विभागों के बीच में सहयोग और समन्वय आवश्यक है। आपको एक टीम के रूप में कार्य करना होगा, जब प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो और सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि आज का दौर तेजी से बदल रहा है। बदलते समय के साथ आपको अपने कौशल का विकास करना होगा और नवाचार को अपनाना होगा। अगर हम नवाचार को अपनाएंगे तो हमारे दिमाग में किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप मन से काम करेंगे तो आपके पास कोई वर्णन नहीं आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम आया है उस काम को आज ही अगर निपटाएंगे तो कल के लिए आपके सिर पर वजन नहीं होगा, आप निश्चितता से काम कर सकेंगे। सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों पर बल दे रही है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सरकारी कामकाज में तेजी लाई सके। टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास हो रहा है, इसलिए आप अपने आप को निरंतर अपडेट रखना बेहद जरूरी है। नई तकनीकी सीखने अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि नवाचारों के लिए हमें कोई ना कोई इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करने चाहिए, जो 3 महीने या 4 महीने में इस तरह के कार्यक्रम हो जिससे नवाचारों को ठीक प्रकार से गति देने का काम हो, जिसमें एक इस तरह की ट्रेनिंग भी हो और एक इस तरह का ट्रेनिंग दे करके उनका एक प्रशिक्षण करा करके काम को गति देने का भी काम कर सकते हैं। अपने दायित्वों के साथ अपने ज्ञान और कौशल को भी निरंतर विकसित करें। नई चीज सीखने की ललक जब तक हमें पैदा नहीं होगी, जब तक हम नई बात नहीं सीख पाएंगे। आप सभी में कोई ना कोई खासियत है। आप में से कोई तकनीकी का जानकार है, कोई रचनात्मक कार्यों में दक्ष है, किसी में बेजोड़ प्रशासनिक क्षमता है। इन सभी योग्यताओं का उपयोग सरकारी सेवा में भी आप कर सकते हैं। आप प्रदेश के शासन प्रशासन के आधार स्तंभ में आपकी मेहनत और लगन ही इस राज्य को विकास पथ पर आगे ले जा सकती है। यह शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी को यह संकल्प भी दोहराना चाहिए कि आपको अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए आप पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करें। असली संतुष्टि प्रदेश की जनता की सेवा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से ही मिलेगी। मैं इस मौके पर कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूं और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपकी जो समस्या है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आपकी समस्या वो हमारी समस्या है। समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, कई विचार बताए माननीय बुद्धि प्रकाश जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कर्मचारियों के बारे में कई तरह के प्रस्ताव रखे हैं। निश्चित रूप से आपके उन प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा, इसलिए किया जाएगा कि आप पूरे राजस्थान से आने वाले जो भी व्यक्ति आते हैं, समस्या लेकर के आते हैं, आप उनका समाधान करते हैं, आप हमारे कार्य को आगे बढ़ाते हैं, हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनकी क्रियान्विति का काम आप करते हैं। यह शासन सचिवालय की तरफ राजस्थान की जनता देखती है और राजस्थान की जनता देखती है उसकी आशा और उम्मीद के साथ हम अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा और ये आपकी जो समस्या है उनका भी निश्चित रूप से हम समाधान करेंगे। अंत में इतना कहूंगा मैं आपसे कि अगर हम मन में ठान लेते हैं, किसी कार्य के लिए मन में ठान लेते हैं तो वो काम पूरा होता है। मित्रों, हम इस प्रदेश के देश के नागरिक हैं, नागरिक होने का कर्तव्य भी हमें बोध होना चाहिए, क्योंकि हमको जो दायित्व मिला है सरकार ने हम पर विश्वास किया है। आप अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के प्रयास से आपको
कर्मचारी के क्षेत्र में, अधिकारी के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। हम एक उन लोगों की तरफ भी देखें जो दूर दराज में जिनको आवश्यकता होती है, जो आपसे अपेक्षा पाले हुए हैं, सरकार से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से उनका इच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि नागरिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उन सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उसको उस पायदान पर आगे लाने के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर हमारी मेहनत होगी, हमारा समर्पण होगा, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ बनकर के ही उसको, हम जहां जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी के रूप में काम करें, चाहे अधिकारी के रूप में काम करें, हम उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। और आप जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे राजस्थान की जनता को बहुत इससे लगाव है और राजस्थान की जनता की इससे बहुत अपेक्षा है। उन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़े। पुनः इस कार्यकारिणी को मैं देख रहा था, बुद्धि प्रकाश जी हैं, नाम ही बुद्धि प्रकाश है, तो आप देख रहे थे उन्होंने कितनी कर्मचारी संघ की मेरे को बातें बताई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कार्यकारिणी को विश्वास दिलाता हूं, आप बैठेंगे, किस तरह की समस्याएं उनका समाधान करना हमारा काम है। आप सभी कर्मचारियों की समस्या जो है आपने कई बात मेरे को कही है, निश्चित रूप से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और हम काम करेंगे। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, ये कार्यकारिणी बहुत ही ऊर्जावान कार्यकारिणी है और ये प्रदेश को एक अच्छी दिशा देने का काम, क्योंकि कर्मचारी संगठन कितने भी हैं लेकिन सचिवालय कर्मचारी संघ की अलग ही पहचान होती है। इसलिए आप आकर के काम करें और काम करते हुए अपनी पहचान भी बनाएं और इस कर्मचारी संघ को मजबूत बनाएं, सरकार के कामों में गति लाते हुए हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और साथ ही आपका तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे शासन सचिवालय से, जहां पर कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कर्मचारियों को उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी जो परेशानियां उनको सरकार दूर करेगी। वहीं अलवर के वैशाली नगर इलाके में मनाका गांव में पुलिस पर हमला करने वाले स्टेशीटर फिरोज खान के मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को बुलडोजर से ढा दिया गया है। सरकारी जमीन पर किए गए इस अतिक्रमण को प्रशासन की और पुलिस की मौजूदगी में UIT ने जमींदोज किया। हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान पर चला बुलडोजर, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई, कुल 10 अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई। अलवर के मन्नाका में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान का ये मकान है, जहां पर आप देख सकते हैं आप जेसीबी अब जो बुलडोजर है वो चल रहा है और लगातार अतिक्रमण है उसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके मकान का जो आगे की बाउंड्री वॉल है और ये जो टावर बना हुआ है इसे अतिक्रमण माना गया है, और आप देख सकते हैं कि जेसीबी जो लगातार यहाँ 10 मकान चिन्हित किए गए हैं उनको जो अतिक्रमण को मान चुकी है, वहाँ अतिक्रमण को तोड़ने की जो कार्रवाई है लगातार की जा रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान में अतिक्रमण वाले हिस्से को घिरा दिया गया, जिस दौरान कार्रवाई की गई। उस वक्त ASP तेजपाल सिंह, SDM प्रतीक झुलकर, DSP और 6 थानों के पुलिस जाब्ते समेत 100 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद रहे। UIT ने जो सर्वे किया गया वहाँ पे जो UIT की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, जिसके ऊपर अतिक्रमण पाया गया, लगभग 10 घरों का अतिक्रमण पाया गया, उसको चिन्हित किया गया, विधि पूर्वक सभी को नोटिस जारी किए गए, उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किए गए कि स्वयं ये अपना अतिक्रमण हटाए, उसके बाद लोगों ने वहाँ का सामान भी हटा लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि वो जानते थे कि ये सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था, पर आज नियमानुसार UIT के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर 5 JCB से हिस्ट्री शीटर समेत 10 चिन्हित अतिक्रमण हटाए गए। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सर्वे कराकर अवैध अतिक्रमण को गिराया जाएगा।
जैसे जैसे लंबाई में आप रास्ते के पहले लग चलोगे ना, कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट है, कहीं 15 फीट है। ये मकान भी ऐसी गड़बड़ में आ रहा है, कुछ हिस्सा है जो हम गिरा चुके हैं और कुछ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि इनके अगल बगल में जो और मकान है वो भी अतिक्रमण की श्रेणी का है, उसका हम सर्वे करवाएंगे। इसको हमने बोर फुटिंग पे सबसे पहले, ये जो थे फिरोज जो एक अपराधी किस्म का आदमी है, इस पे हमें उच्च अधिकारियों के ऐसे आदेश थे कि सबसे पहले इसका काम किया जाए, बाकी हम सारा ही करवाएंगे। जो भी अतिक्रमण यूआईटी का होगा हम उसको खाते रखेंगे। दरअसल 22 जून की शाम पुलिस हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पकड़ने उनके गांव गई थी। उस दौरान फिरोज खान के परिवार ने पुलिस पर हमला किया जिसमें 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे, जबकि मौका पाते ही फिरोज खान वहां से फरार हो गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूआईटी ने पूरा ये मापतोल कर लिया है और इसमें कुछ ये जो आवास है सरकारी जमीन पर होना पाया है, अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग इमदाद दे रहे हैं और जो जहाँ तक सरकारी जमीन है उसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मन्नाका गांव में हिस्ट्री शीटर के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समाज के जन प्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिले और प्रशासन की कार्रवाई पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। प्रशासन को ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार की कार्रवाइयां गलत है। संविधान सम्मत जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जो भी गलती की उसकी सजा उसको मिले, नहीं कि उसके परिवार को, उसके मिलने वालों को, आसपास के पड़ोसियों को। आप एक ही लाइन के अंदर सब लोगों का जिस प्रकार से कर रहे हैं वो गलत है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस फिरोज खान की तलाश कर रही, जिस पर राजस्थान, एमपी और यूपी समेत कई अन्य राज्यों में एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। अलवर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में भी न्यू सांगाने रोड पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की तरफ से कार्रवाई की गई और लगातार दूसरे दिन 4 किलोमीटर लंबे इलाके से निर्माण क्षेत्रों को ध्वस्त किया गया और अब मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर के बीटू बाईपास रोड तक सड़क का रास्ता साफ हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने दूसरे दिन भी 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है और अब तक न्यू सांगाने रोड से 400 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है। भारी पुलिस जाब्ते के बीच में लगातार जेडीए की तरफ से ये कार्रवाई की गई और इस सड़क को चौड़ा करने की दिशा में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण पर वार किया गया, बुलडोजर से प्रहार किया गया, एक साथ एक्शन में दिखाई दिए जेडीए के अधिकारी कर्मचारी और यहां पर भारी जाब्ते के साथ ये कार्रवाई की गई। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में पहले तो हीरापत से बंदे मातरम तक कार्रवाई की गई थी, आप साथ में थे, उसमें करीब 220 अतिक्रमण मकान दुकान सब ध्वस्त किए गए थे। वो 100 फीट चौड़ा करने की रोड को कार्रवाई थी। ये दूसरी कार्रवाई हमारी कल से प्रारंभ हुई थी और इसमें मेट्रो स्टेशन से और सांगानेर फ्लाईओवर तक इस रोड को 200 फीट करने की कवायद है। इसमें करीब 691 अतिक्रमणधारी चिन्हित किए गए थे, जिनमें से आज सेकंड डे हमारी कार्रवाई मेट्रो रजत पथ से और आज हाउसिंग बोर्ड चौराहे तक करने का विचार है, तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की आज दूसरे दिन भी जो कार्रवाई है वो जारी है। न्यू सांगानेर रोड के ऊपर आ रहे निर्माणों को जेडीए का पीला पंजा एक एक कर ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। दूसरे दिन जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने करीब 200 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त किया। करीब 691 जो निर्माण है वो इस कार्रवाई की जद के अंदर आ रहे थे, उसमें से करीब आधे से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से बुधवार को शुरू हुई जो कार्रवाई है आज बीटू बाईपास तक कहा जा सकता है कि उन सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ एक जो निर्माण है वो हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अभी लंबित रखे गए हैं, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन का दावा है कि उन निर्माणों के ऊपर भी जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो की जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी की जा रही है और इसके लिए बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक ली, चुनावी तैयारियों का आगाज भी कर दिया। हालांकि 5 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में बीजेपी की राहें आसान नहीं मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं
कि आने वाले दिनों में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत उनकी पार्टी की होगी, लेकिन राह उतनी भी आसान नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे आज राजस्थान की जनता को पता है कि हमें विकास कराना, विकास के लिए उनको राजस्थान विधानसभा में उनका प्रतिनिधि भेजना जरूरी है। हम 5वीं विधानसभा के 100% जितने पहले विधायक में जो मतों से कहीं हारे हैं, उसे डबल मतों से इस बार हम जीतेंगे। 5 विधायक सांसद बनकर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, अब सूबे की 5 सीटों पर उपचुनाव की बारी है। तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू का दौरा, कहने को तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में डीबीटी करने से जुड़ा था, पर असली मकसद उपचुनाव ही था। और निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी 6 महीने से काम कर रहे हैं और जो भाजपा के संकल्प पत्र में जो वादे थे, उनमें से 40-42% वादों को पूरा करने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारी सेवा जनता के सामने रखेंगे, हमारे कामों को जनता के सामने रखेंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी की झुंझुनू में बरसों से झोली खाली रही है, पार्टी एक अदद जीत को तरस रही है। ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बन जाने से झुंझुनू की सीट खाली हुई है, दावेदार भी यहाँ अनेक है, पर गुटबाजी के भंवर में फंसी पार्टी जिताऊ चेहरे की तलाश में जुटी है। सरकार के मंत्रियों का यह दावा है कि उपचुनाव में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। आरसीपी हो चाहे यमुना जल का मामला हो, उसमें जिस तेजी के साथ समझौते हुए, तो प्रदेश की जनता ये समझने लगी है कि धीरे धीरे राजस्थान में अराजकता समाप्त होकर सुशासन आ रहा है और आम जन सुशासन को पसंद करेगा और आने वाले 5 विधानसभा के उपचुनाव में और उसके आगे आने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। आने वाले दिनों में झुंझुनू, खींवसर, 84, देवली, उनियारा और दौसा में उपचुनाव होने हैं। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार का 2008 से दबदबा है, तो 84 में राजकुमार रोत के नाम की आंधी चल रही है। देवली उनियारा सीट से बीजेपी 2013 में आखिरी बार चुनाव जीती थी। दौसा में मुरारीलाल मीना की लोकप्रियता बरकरार है, बीजेपी को यहां कांग्रेस के गुर्जर मीना और दलित वोट बैंक की काट ढूंढनी होगी। यदि देखा जाए तो पांचों के पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की एक भी उनमें नहीं थी, लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। बहरहाल बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार की अब तक की उपलब्धियां उसकी चुनावी नैया पार लगा देगी, इसीलिए हर मंच से बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। लोकसभा की 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी के सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं, इसलिए उपचुनाव में पार्टी को छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना होगा। हालांकि बीजेपी के पास इन सीटों पर खोने के लिए कुछ नहीं है, मगर कुछ सीटें भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो न केवल पार्टी काडर का वो भरोसा बढ़ा पाने में कामयाब हो जाएगी, बल्कि सत्ता विरोधी लहर को भी थामने में उसे सफलता मिल जाएगी। आखिर देखना यही है कि बीजेपी चुनाव में किस तरह से अपने आप को झोंकती है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। तो वहीं राजस्थान में सक्रिय हो गया मानसून और अब चौतरफा बारिश को बेताब हो रहा है और कई इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। कई जगह पर मौसम खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है, तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 6 जिलों में भारी बारिश और 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। राजसमंद में मानसून की एंट्री के साथ ही जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, गलियों में पानी का बहाव ऐसा है जैसे कोई नाला बह रहा हो। बुधवार से शुरू हुई बारिश तेज मेघ गर्जना के साथ रुक रुक कर जारी है। आसपास के इलाकों में बिजली गिरने की खबर सामने आई। जोधपुर में करीब आधे घंटे की बारिश में सड़कें समंदर बन गई।
बावड़ी उपखंड इलाके के बिराई में सीजन की पहली बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले में करीब 45 मिनट की बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, खेतों में पानी भर गया। मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं ब्रह्मपुरी चांदपोल इलाके में बरसात के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। तो वहीं अलवर जिले के टहला क्षेत्र के डेरा बाछड़ी जयसिंहपुरा बामनवास चौगान दुमेडा गांव में तेज बारिश हुई है। बरसात से डेरा गांव का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय दरिया बन गया। दरअसल तेज बारिश के चलते डेरा में पुलिया के आसपास बना एनीकट छलक गया। तेज बारिश के चलते पहाड़ से आया पानी खेतों में होता हुआ ओवरफ्लो होकर महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे से खिड़कियों से होता हुआ स्टाफ रूम तक आ गया। प्रधान अध्यापक और स्टाफ रूम के कमरे में तो झरने की तरह पानी चलता रहा। ऐसे में बेबस स्टाफ बहते पानी के बीच ही काम करता रहा। उधर कोचिंग नगरी कोटा में बारिश और तेज आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से लोग सहम उठे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली गुल हो गई। हालांकि दिन भर उमस और गर्मी के बाद बारिश की वजह से राहत जरूर मिली। सड़कों पर पानी भर गया, नाले ओवरफ्लो हो गए। इसके साथ ही नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई। आगामी 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। बारिश की यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगले 24 घंटों में खासकर दक्षिणी राजस्थान के यानी कि कोटा उदयपुर इसके अलावा जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के कुछ भागों में सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी कि तीव्र मेघ गर्जन आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। एक तरफ जहां मानसून के दस्तक से लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है, वहीं पहली ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलने के साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। प्रदेश के कई इलाकों में नालों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे सड़कें दरिया में तब्दील हो रही हैं और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 राजस्थान।